हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है नरेंद्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ठोसों की चालकता। ठोसों की चालकता कैसे, इनकी चालकता को आप क्या करेंगे, अलग अलग तरीकों से बताएंगे कि कौन चालक है, कौन अर्धचालक है और कौन क्या है कुचालक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आपकी हेडिंग है ठोसों के विद्युतीय गुण। ठोसों के विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आप आज आपको इसी चीजों को समझना है। अब एक लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि ठोसों की चालकता का परास क्या है, परास है, रेंज है। ठोसों की चालकता का परास 10^-20 से 10^ कितना, 7। 10^-20 से 10^7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यूनिट आपको याद रखनी है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये चालकता की यूनिट है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए आप एक चीज, आप लोग पढ़े थे कि जो आपका विद्युत प्रतिरोध होता है, किसी भी तार का विद्युत प्रतिरोध R समानुपाती होता है L/A, मतलब किसी चालक तार की लंबाई L के समानुपाती और उसके क्षेत्र अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगा, विद्युत क्रमानुपाती। जैसे मानो ये क्या है, ये कोई तार है, ये कोई वायर है, ठीक है, और ये तार की क्या है, लंबाई है, और ये उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एरिया है, क्षेत्रफल है क्या है, ये ए है। तो तार जितना लंबा होता है प्रतिरोध उसका उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, और तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उसका ही उतना ही कम होगा। यही यहाँ पे लिखा गया है कि अगर लंबाई ज्यादा होगी तो R का मान बढ़ेगा, एरिया ज्यादा होगा, तार की मोटाई ज्यादा होगी तो तार का प्रतिरोध कम होगा। अब अगर इसी को हम समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो R बराबर लिखते हैं क्या, रो इंटू L/A। L/A, अब जहां पे रो आपने पढ़ा था क्या होता है, यह होता है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का होता है विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम क्या करें कि यहां से आप लिख सकते हो R बराबर रो इंटू L/A, या यहां से रो बराबर हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू A अपान कितना हो जाएगा, यह यही ना। इसका आप उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, उल्टा करने पे 1/ρ बराबर L, सही चल रहा है हम लोग, क्या हो जाएगा, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, L/R(A), आपको ये चीज मिल जाएगा। आपने विशिष्ट प्रतिरोध रो का उल्टा कर दिया, 1/ρ बराबर L/R(A), यल चालक तार की लंबाई है, R उसका प्रतिरोध है और A उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का आयत क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहां से देखो तो ये इसकी तार की लंबाई क्या होती है, मात्रक मीटर, और ये R प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और ये A का मात्रक क्या होगा, मीटर का स्क्वायर, तो इस मीटर से एक मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, तो और इसी 1/ρ को, 1/ρ को हम बोलते हैं चालकता, किसी भी चालक की चालकता। तो चालकता को हम लोग कप्पा से नोट करते हैं कि चालकता कप्पा बराबर हो जाएगा, यही L बराबर R(A), और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम जाएगा ऊपर, तो ओम का क्या हो जाएगा, बोलो इनवर्स, मीटर भी जाएगा तो जाएगा मीटर का इनवर्स। बात समझ में आ गई, ये चालकता का मात्रक है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये हमने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है कि ठोसों की चालकता का जो परास है 10^-20 से 10^7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। अब हम लोग इसी चालकता के परास के बेस पर ठोसों को तीन भागों में क्या करेंगे, बांट देंगे, ठीक है। ये बात आराम से आप सोचा करिएगा, याद रखिएगा। चलिए अब मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, अब उस चार्ट को याद करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है और आपको वो चीज याद रखनी, आपको भूलनी नहीं है। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, यहां पर एक हेडिंग आप थोड़ी सी लिख लो
कि चालकता के आधार पर कोषों के प्रकार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, चालकता के आधार पर कोषों के प्रकार, कोषों के प्रकार, ठीक है। आखिर जिसकी चालकता ज्यादा होगी वो क्या होगा, सुचालक होगा, जिसकी बहुत कम होगी अर्धचालक होगा, जो बिल्कुल भी जिसमें धारा नहीं बहेगी वो क्या होगा, हमारा कुचालक होगा, ठीक है। आप यहाँ पर इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हो। पहला प्रकार इसका है चालक, जिसमें धारा प्रवाहित होती है, इसको आप बोलेंगे कंडक्टर, क्या बोलेंगे, कंडक्टर। और दूसरा हमने यहाँ पर रख दिया ऐसा पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसको बोलेंगे आप विद्युत रोधी, ठीक है। ऐसे प्लास्टिक है, कांच है, सूखी लकड़ी है, इनमें क्या धारा प्रवाहित होगी, नहीं, उसको आप बोलेंगे विद्युत रोधी। अब तीसरा आपका क्या है, अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है कि चालकों की अपेक्षा कम लेकिन विद्युत रोधी से थोड़ी सी ज्यादा, इसमें कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित होती है, उसको बोलेंगे अर्धचालक, इसको आप बोलेंगे सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब अर्ध, कंडक्टर का मतलब चालक, सेमी कंडक्टर। और इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं इंसुलेटर, विद्युत रोधी को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, ठीक है ना। अब जैसे हमने आपको बोल दिया था पहले ही, ठोसों की चालकता 10^-20 से 10^ कितना, 7 के बीच होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब एक हम चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या कि 10^ कितने से, 4 से लेकर 10^7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये होती है किसकी, किसी चालक की चालकता का परास ये होता है। अब विद्युत रोधी और ये क्या है, अर्धचालक। तो अर्धचालक का क्या होगा, तो अर्धचालक का होता है 10^ कहां से लेके, इसका होता है 10^-4, 10^ कितना, -6 से लेकर 10^4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। अब इसका कितना होगा, इसकी चालकता का पर 10^-20 से लेकर 10^-10 ओम इनवर्स मीटर, ठीक है, ये इसकी चालकता है इंसुलेटर की। ये किसकी है, ये है अर्धचालक की, और ये किसकी है, ये है चालक। अब जैसे एक बार क्या हुआ कि एक आदमी ने एक आदमी से पूछा है कि जरा बताइए कि 47 में से आप 64 घटाओ, गिनती आप याद रखिएगा, क्या पूछा था, 47 में से 64 घटाइए। तो आदमी ने जल्दी से बता दिया कि वही 10^20 होता है, वही कितना, वही 10^20 होता है। लेकिन इससे हमारा क्या मतलब, मैं क्या आपको कहानी बताई, एक आदमी ने एक आदमी से पूछा भैया बताओ कि 47 में से आप 64 घटाओ, तो आदमी ने क्या जवाब दिया, यही 10^20, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये है 47, ये क्या है, -64, और कितना आएगा, यही 10^20, कितना आएगा, यही 10^20। आपको याद रखना है कि आपको बस एक कॉलम बना लेना है, ये चालक है, ये अर्धचालक है, और बीच में क्या है, विद्युत रोधी है। आपको ये चीजें याद कैसे रहेंगे, हमने भी बोल दिया कि आप पहले वहां पर लिख देना 10^10 यहाँ पर लिखना 10^10। फिर हमने बोला कहानी क्या है, कहानी है कि एक आदमी ने एक आदमी से पूछा बताओ 47 -64, देखिए -64 कितना होगा, तो बोला यही 10^20। अब देखो ये 47 कम है, माइनस वाली ज्यादा वैल्यू किसमें आती, माइनस में, यही 10^20, तो 20 यहाँ 10 है, याद रहेगा ना आपको, ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये मान आपको दे दिया जाएगा और पूछेगा आपसे कि ये इस रेंज की या इस परास के अगर चालकता दी गई है तो वह हमारा पदार्थ क्या होगा, चालक होगा, विद्युत रोधी होगा कि अर्धचालक होगा। तो आप क्या करेंगे, तो इसे आप बता देंगे 47 -64 = 10^20 होता है।
ये 47 है, ये माइनस 64 है, और ये क्या है 10 ये माइनस, क्लियर है ना। ये क्या है, ये इनकी चालकता है, ये इनकी चालकता का परास है, इसको आप याद रखें। अब एक लाइन आप यहीं पे आप और नोट कर लो कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं धातुओं की चालकता, जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, जिंक है ना, धातुओं की जो चालकता होती है 10^7, यही वाला 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है ना, इतना होती है धातुओं की चालकता 10^7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, इसको आप जल्दी से नोट करें। नोट हुआ, याद हो गया ना। अब हम लोग चलते हैं आखिर ये जो किसी भी ठोस में चालकता आ गई है कि चालकता क्यों आती है, क्यों आखिर कोई पदार्थ हमारा चालक है और कोई पदार्थ हमारा क्या है अर्धचालक है और कोई पदार्थ हमारा क्या है विद्युत रोधी है, आखिर ऐसा क्यों है, ठीक है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करने चल रहे हैं कि आखिर इसमें चालकता क्यों आ गई, क्यों कम है, क्यों ज्यादा है, किसी में चालकता बिल्कुल भी नहीं होती है, आखिर क्या रीजन है। आपको पता है कि जो किसी भी ठोस में जो चालकता होती है उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है ना, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। चलिए आप फिर लिखिए, धातुओं में वैद्युत चालन, धातुओं में वैद्युत चालन, वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स, धातुओं में वैद्युत चालन, ठीक। इसमें आप एक लाइन लिखिए धातुओं में वैद्युत चालन उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण पाई जाती है, धातुओं में वैद्युत चालन उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण पाई जाती है, ठीक। फिर क्या होता है, अगला पॉइंट लिखिए, धातुओं में उपस्थित धातु परमाणु आपस धातु परमाणु के परमाणु ऑर्बिटल, धातुओं उपस्थित धातु परमाणु के परमाणु ऑर्बिटल मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं जिनकी ऊर्जा इतनी पास पास होती है कि वे बैंड बना लेते हैं, ठीक है। अब जरा समझिए, यहाँ पे हमने क्या बोला, आपके पास कोई धातु है, ये कोई क्या है, मेटल है, मान लो क्या है, ये आयरन है, ठीक है। अब इसकी चालकता क्यों है, जरा समझने का प्रयास करते हैं इसकी चालकता क्यों है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यह जो लोहे की छड़ है इसमें कई सारे क्या होंगे, लोहे के परमाणु होंगे, और आपको पता है ये परमाणुओं के पास क्या होते हैं, परमाणु ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं, किसी परमाणु के पास परमाणु ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक होते हैं, ठीक है ना, जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और एक कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी स्पिन क्या होती है, विपरीत होती है। और आप 11th में पढ़े थे क्या, आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये क्या बताती है, ये बताती है कि अगर दो परमाणु ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक
आपस में मिलते हैं तो आण्विक कक्षक का निर्माण करते हैं। आण्विक कक्षक का निर्माण करते हैं, ठीक है। और एक आण्विक कक्षक की ऊर्जा कम होती है और एक आण्विक कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। ये क्या है, ये है परमाणु कक्षक, ये है परमाणु कक्षक और ये भी क्या है, परमाणु कक्षक। दोनों आपस में क्या होंगे, मिलेंगे और जिनकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और जिसकी सिमेट्री या सममिति क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपस में मिलेंगे क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आण्विक कक्षक, और आण्विक कक्षक में एक की ऊर्जा कम, एक की ऊर्जा क्या एनर्जी में, ये नीचे है, क्या है, ऊपर है। जो नीचे है उसको हमने क्या बोला था, उसको बोला गया था आबंधी आण्विक कक्षक, उसको बोला गया था आबंधी आण्विक कक्षक, और जिसकी ऊर्जा ज्यादा है उसको बोला गया था अनाबंधी आण्विक कक्षक, अनाबंधी आण्विक कक्षक बोला गया, ठीक है, वहां पर बोला गया था। अब लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस चैप्टर में आपको क्या बोलना है कि दो परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं और ये आबंधी आण्विक कक्षक नहीं, बल्कि यह जो इसको आबंधी आण्विक कक्षक है इसको आप बोलेंगे यह क्या है, पूरित बैंड, पूरित बैंड, पूरित या सहसंयोजक, या इसको हम बोलेंगे पूरित या संयोजी बैंड, पूरित या संयोजी बैंड बोलेंगे, ठीक है, ये बैंड बोलेंगे इसको आप। और इसको क्या बोलेंगे, अनाबंधी वाले को, इसको आप यहां पर बोलेंगे रिक्त बैंड, खाली है ये रिक्त बैंड, या इसी को बोलेंगे आप चालक बैंड, चालक बैंड बोलेंगे। अगर हमारे परमाणु कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन थे तो अब क्या होगा कि एक एक दो, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, हमारे आबंधी आण्विक कक्षक यानी कि पूरित या संयोजी बैंड में आ जाएंगे, और ये वाला ऊपर वाला हमारा ये क्या रहेगा, ये बैंड है, खाली रहेगा। तो यहाँ पर हम आण्विक कक्षक को बैंड बोलेंगे और एक बैंड की ऊर्जा कम होगी उसको बोलेंगे पूरित बैंड या संयोजी बैंड, जो कि इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा, ऊपर वाला खाली होगा जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसको बोलेंगे रिक्त बैंड या चालक बैंड बोलेंगे, ठीक है। तो जब मेरी बात ध्यान सुनिए कि जब इस पूरित या संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां पर, रिक्त बैंड या चालक बैंड में जाता है तो किसी भी पदार्थ के द्वारा वैद्युत चालन प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अगर ये गैप, ये जो यहां पर गैप आपको दिख रहा है, ये गैप अगर छोटा होगा, कम होगा, इनके बीच का फासला कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से कूद करके यहां पर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये गैप क्या हो जाएगा, अगर ये बढ़ गया गैप, तो गैप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो किसी भी ठोस की जो चालकता होती है इसी पूरित या संयोजी बैंड तथा रिक्त या चालक बैंड के बीच की दूरी, के बीच का गैप कितना है, इसी बात पर डिपेंड करती है, और इसी पर आप ठोसों को तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। इसको आप जरा सा चित्र जल्दी से आप बना लो, पहले चित्र बना लो, ठीक है, चित्र बन गया। अब आगे आप क्या लिखेंगे, उसी के आगे आप लिखेंगे कि क्या ये जो बैंड है, हमने कहा ना बैंड बना लेते हैं, आगे लिखिएगा बैंड दो प्रकार के होते हैं, बैंड कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पूरित या संयोजक बैंड, पूरित या संयोजक बैंड, और दूसरा आपका है रिक्त या चालक बैंड, उसको आप चाहे रिक्त बैंड बोलो चाहे चालक बैंड, ठीक है ना। यही ये क्या है, रिक्त बैंड है, और ये क्या है, ये संयोजी या चालक बैंड है। आगे लिखिए एक लाइन, आगे नोट करिए, जब संयोजक बैंड से इलेक्ट्रॉन
रिक्त बैंड में जाते हैं, रिक्त बैंड में जाते हैं, तब विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तब विद्युत धारा का प्रवाह होता है। बात समझ में आ गई? तब विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक, आगे लिखिए। धातुओं में पूरित या संयोजी बैंड, धातुओं में पूरित या संयोजी बैंड तथा चालक बैंड के बीच का स्थान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से पूरित बैंड से चालक बैंड में चले जाते हैं, तथा विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे बना लेंगे कि यही वाला है नीचे वाला, यहाँ का नीचे वाला हम ऐसे बना लेंगे। ये क्या है, हमारा पूरित बैंड है, और ये क्या है, ये हमारा रिक्त बैंड। ये क्या है, ये रिक्त बैंड है। आप यहाँ पे लिख लो, ये क्या है, रिक्त बैंड या चालक बैंड इसी को बोलते हैं, और ये क्या है, पूरित बैंड है, पूरित बैंड। इनके बीच में कोई भी क्या है, कोई भी अंतराल नहीं है, यहाँ पर कोई गैप नहीं है। इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें क्या करेंगे, जा सकते हैं, ये क्या होगा, ये तो ये धातु की चालकता बहुत ही ज्यादा होगी, धातुओं में चालक। चित्र को जल्दी से आप बना, इस चित्र को जल्दी से बना लो, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब लिखिए हेडिंग, लिखिए अचालकों का विद्युत रोधी होने का कारण, लिखिए अचालकों का विद्युत रोधी होने का कारण। देखिए इसमें आप अचालकों में पूरित बैंड तथा चालक बैंड, अचालकों में यही ये पूरित बैंड और क्या है ये आपका चालक बैंड, अचालकों में पूरित बैंड तथा चालक बैंड के मध्य अंतराल बहुत अधिक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन पूरित बैंड से चालक बैंड में नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं तथा पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, तथा पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब यहां पर यही फिगर आप बना लो, ये क्या है, ये आपका पूरित बैंड है, ये क्या है आपका, ये आपका रिक्त बैंड या चालक बैंड है, और ये क्या होगा, ये भरा होगा, ये क्या होगा, खाली होगा। अब इनके बीच का गैप क्या है, ज्यादा है, तो आप यहाँ पर क्या दिखा दोगे, अधिक अंतराल बहुत ज्यादा है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करके नहीं जा सकता है, उतनी ऊर्जा उसके पास नहीं है। ये आपका क्या है, ये चालक बैंड है, चालक बैंड को ही रिक्त बैंड बोलते हैं, और ये आपका क्या है, पूरित बैंड भरा हुआ है, इसी को आप संयोजी बैंड भी बोलते हो, ठीक है। तो पूरित बैंड और चालक बैंड के बीच का स्थान बहुत ज्यादा है, यानी आबंधी आण्विक कक्षक और क्या कौन सा अनाबंधी आण्विक कक्षक के बीच का स्थान बहुत ज्यादा है,
इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाएगा तो क्या होती है अधातुमय वैद्युत उछालक होती है। बात समझ में आ गई, इसको आप जल्दी से बना लो, ठीक है ना। तो ये क्या है बैंड थ्योरी, इसी को कहते हैं बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी के आधार पर चालक अचालक और अर्धचालक। अब तीसरी हेडिंग आप लिखो अर्धचालक, तीसरी हेडिंग आप लिखिए अर्धचालकों की चालकता, तीसरी हेडिंग आप लिखिए अर्धचालकों की चालकता, अर्धचालकों की चालकता कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। हमने वहां पे बताया था कि चालकता कितनी होती है -6 से कितना 10 की घाते -6 से 10 की घाते 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, जो कि चालक से कम होती है और किससे, और किससे विद्युत रोधी से ज्यादा होती है। इसमें आप लिखिए, अब जरा समझ लो इसमें क्या होता है। तो अर्धचालक में जो पूरित बैंड और सही क्या है रिक्त बैंड है, इनके बीच का जो गैप है, जो क्या है अंतराल है, या किसकी अपेक्षा विद्युत रोधी से कम होता है और किससे ज्यादा होता है चालक से, क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो आप क्या करेंगे, अब ये जो गैप यहाँ पर था आप इस गैप को क्या करेंगे, अब इस गैप को आप कम कर दो, जरा गैप को आप क्या करें थोड़ा सा कम कर दीजिए। अब कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं यहाँ पे जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसके बीच का अंतराल कम हो जाएगा, तो कम अंतराल हो जाएगा पूरित बैंड और किसके बीच और चालक बैंड के बीच, ठीक है। बस में आई, एक लाइन नोट कर लो जल्दी से लिखो इसमें अर्धचालकों में पूरित बैंड माने संयोजी बैंड, इसी को बोलते संयोजी बैंड, अर्धचालकों में पूरित बैंड तथा चालक बैंड यानी रिक्त बैंड चालक बैंड के मध्य अंतराल आचालकों की अपेक्षा कम होता है, आचालकों की अपेक्षा कम होता है जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन पूरित बैंड से चालक बैंड में चले जाते हैं तथा अर्धचालक दुर्बल चालकता प्रदर्शित करते हैं ठीक है ना। क्योंकि कुछ ही इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे चालकता क्या होगी इनकी कम होगी, किसकी धातुओं की अपेक्षा। बात समझ में आई। अब एक चीज नोट करके लिख लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, पूछा गया कई बार, एक चीज आप नोट करके जल्दी से लिखो, नोट करके क्या लिखना है अर्धचालकों की चालकता, जल्दी से नोट करो अर्धचालकों की चालकता, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बनती है ठीक है ना। ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगी चालकता बढ़ जाएगी, ये पूछा गया आपके एग्जाम में पिछले कुछ एग्जाम्स में, और पूछा गया है क्यों अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है क्यों, तो रीजन यही है कि जैसे आप इसको ताप देंगे उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर क्या होगा पूरित बैंड से चालक बैंड में जंप कर जाएगा कूद जाएगा, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे चालक से पूरित में जाएंगे तो क्या होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो विद्युत धारा का प्रवाह भी क्या होगा बढ़ेगा और अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाएगी, क्लियर है ना। नोट कर लिया आपने अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। आगे लिख लो एक लाइन उसी में आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर अधिक संख्या में पूरित बैंड से चालक बैंड में जाने लगते हैं ठीक है। अब इसके एग्जांपल की बात कर ली जाए तो एग्जांपल है सिलिकॉन है जर्मेनियम है ठीक है, टिन है,
आदि। ये सभी क्या है? ये अर्धचालक है। सिलिकॉन है, जर्मनियम है, टिन है, लेड है, सभी क्या है? अर्धचालक है। ठीक है, अब ये सिलिकॉन हमने बोला, जर्मनियम हमने बोला, ये सब क्या है? अर्धचालक है। अब आप हेडिंग छोटी सी लिखो, अर्धचालक के प्रकार। आप हेडिंग लिखिए अर्धचालकों के प्रकार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहां से आपका दो नंबर के क्वेश्चन यहां से बनते हैं अर्धचालकों के प्रकार से। हेडिंग लिखिएगा आप अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, दो प्रकार होते हैं इसके। पहला है निज अर्धचालक। क्या हमने बोला? निज अर्धचालक। निज मतलब स्वयं, निज का मतलब अपना, स्वयं उनका निजी है, निज अर्धचालक। दूसरा है बाह्य अर्धचालक। दूसरा है बाह्य अर्धचालक, अर्धचालक। इसको आप बोलेंगे इंग्लिश में एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे आप, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है, निज है और क्या है? बाह्य। निज का मतलब कि जब सिलिकॉन और जर्मेनियम यानी जितने भी अर्धचालक हैं उनमें आप कोई अशुद्धि ना मिलाओ तो क्या करेंगे? तब वो कहलाते हैं निज अर्धचालक। तो आप यहां पर आप एक लाइन लिख लो, यानी शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक को ही क्या कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक को आप निज अर्धचालक। ठीक है, अब एग्जांपल, जैसे शुद्ध शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध जर्मेनियम, शुद्ध जर्मेनियम। ठीक है ना, शुद्ध सिलिकॉन है, शुद्ध जर्मेनियम है, क्या कहे जाएंगे? निज अर्धचालक, क्योंकि इनकी चालकता अपनी वजह से, किसी दूसरे की वजह से नहीं है। ठीक है, अब बाह्य अर्धचालक क्या है? कि जब इन्हीं अर्धचालकों में कोई अशुद्धि मिला दी जाए, बाहर से कुछ मिला दिया जाए, तो उसको बोलेंगे बाह्य अर्धचालक। तो एक काम करो आप हेडिंग लिख लो बाह्य अर्धचालक, आप हेडिंग अलग से लिख लो बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, इसमें आप लिखना निज अर्धचालकों की चालकता, निज अर्धचालकों की चालकता को, निज अर्धचालकों की चालकता को उनमें अशुद्धि मिलाकर, उनमें अशुद्धि, इम्प्योरिटी, अशुद्धि मिलाकर बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यह क्रिया अपमिश्रण क्या कहलाती है? अपमिश्रण। यह क्रिया अपमिश्रण को कहते हैं डोपिंग। यह क्रिया अपमिश्रण, ब्रेकर का लिखना, डोपिंग कहलाती है, डोपिंग कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। ठीक है, जिससे जिससे नए बने अर्धचालक, जिससे नए बने अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है, को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला आपको? अगर आपके पास कोई शुद्ध अर्धचालक है, आपके पास कोई शुद्ध अर्धचालक है, उसमें आप क्या मिला दो? उसमें आप अशुद्धि मिला दो, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ये क्या बन गया? बाह्य अर्धचालक। ठीक है ना, अब ये जो बाह्य अर्धचालक है इसकी चालकता क्या हो गई?
इसकी चालकता बढ़ गई, इसकी चालकता बढ़ गई। ठीक, अब लिखिए आप, अभिनय लिखिए बाह्य अर्धचालकों के प्रकार, बाह्य अर्धचालकों के प्रकार, एडी लिखिए बाह्य अर्धचालकों के प्रकार। बहुत ही महत्वपूर्ण है बाह्य अर्धचालकों के प्रकार। बाह्य अर्धचालकों के प्रकार ठीक है। अब देखिए बाह्य चालकों के प्रकार क्या है। अब जो आपका बाह्य अर्धचालक है, बाह्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये दो तरह का होता है। एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक, ठीक है, और दूसरा आपका होता है पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। जरा समझो, तो आवर्त सारणी का जो ग्रुप 14 है, जो वर्ग 14 है, आवर्त सारणी का जो वर्ग 14 के तत्व हैं, जैसे सिलिकॉन है ना, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, और आपका फुल्मियम है। ये क्या है, आवर्त सारणी के 14 के तत्व हैं, और ये आपका वर्ग 15 का तत्व है। वर्ग 15 में क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, और टिन है, तो क्या कहते हैं, एंटीमनी है, और आपका बिस्मथ है, और ये मास्कोबियम है, और आपका वर्ग 13 है, वर्ग 13 है आवर्त सारणी का। इसमें बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, और ये टेलुरियम है, और निहोनियम, और निहोनियम है। ये क्या है, वर्ग 13 के तत्व हैं, 14 के तत्व हैं, और कौन सा है, और आपका है वर्ग 15 के तत्व। अब जरा ध्यान समझिए, हमने आपको बोला था कि सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है, ठीक है। अगर तो ये अर्धचालक है, और इसी को हमने क्या बोला था कि जब ये शुद्ध रूप में होंगे इसको बोलेंगे निज अर्धचालक, इसको बोलेंगे निज अर्धचालक। अब इसमें हम क्या करेंगे, कोई अशुद्धि मिला देंगे, कोई इम्प्योरिटी यानी दूसरा प्रकार का तत्व मिला देंगे। तो अगर इसमें आप फास्फोरस मिला दो, इसमें आप आर्सेनिक मिला दो, इसमें आप क्या मिला दो, फास्फोरस मिला दो या आर्सेनिक मिला दो अशुद्धि के रूप में, तो आपको मिलता है पी प्रकार का अर्धचालक। क्या मिलेगा, पी प्रकार का अर्धचालक आपको मिलेगा। मेरी बात ध्यान से समझना, पी प्रकार का आपको अर्धचालक मिलेगा। यदि आप क्या करिए, इसमें आप वर्ग 13 का तत्व, जैसे बोरान है, इंडियम है, गैलियम है, इनको आप इसमें मिला दो, इसमें मिला दो, तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। मेरी बात समझ में आई। तो सिलिकॉन जर्मेनियम ये सभी क्या है, वर्ग 14 के तत्व हैं, ये क्या है, ये अर्धचालक है, ठीक है ना। जब ये शुद्ध रूप में होंगे बोलेंगे इसको आप निज अर्धचालक। जब इसमें आपने क्या किया कि आपने वर्ग 15 का तत्व, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, आप सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिला दिए, तो बन गया आपका बाह्य अर्धचालक, और कौन सा, पी प्रकार का, कौन सा, पी प्रकार का अर्धचालक बन गया। अब आप क्या करिए, दूसरा इसमें आप क्या करिए कि आप वर्ग 13 का मिला दीजिए, आप वर्ग 13 का मिला दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर एक चीज आप याद, यहाँ पर होगा एन प्रकार का, यहाँ एन होगा, एन प्रकार का अर्धचालक, और यहाँ पर आपका होगा पी प्रकार का। 13 को मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक आपको मिलेगा, ठीक है ना। बात समझ में आई।
अर्धचालक दो प्रकार के, एन प्रकार का, पी प्रकार का। तो आपने क्या किया, सिलिकॉन या जर्मेनियम में वर्ग 13 वाला मिला दिया तो पी प्रकार का अर्धचालक, 15 वाला मिला दिया तो कौन सा बन गया, एन प्रकार का अर्धचालक। तो बात समझ में आ गई। अब आप हेडिंग लिखिए, आप हेडिंग लिखिए एन प्रकार का अर्धचालक, हेडिंग लिखिए आप एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। अब जरा समझो पहले एन प्रकार का अर्धचालक, जरा ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास शुद्ध सिलिकॉन है, शुद्ध सिलिकॉन है ना, क्रिस्टलीय रूप में होगा और उसके क्या होंगे, जालक अस्थल होंगे, तो सिलिकॉन में केवल कौन होगा, सिलिकॉन ही होगा। अब सिलिकॉन कार्बन फैमिली का है तो कार्बन की संयुक्ता होती है 4, तो सिलिकॉन की भी संयुक्ता क्या होगी, 4। तो कार्बन की भांति सिलिकॉन भी क्या करेगा, 4 सा संयोजी बंध बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का हम लोग एक चित्र बनाते हैं। जरा समझिए, यहाँ पे ये आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सारे क्या है, सिलिकॉन। आपका ये क्या है, निज अर्धचालक। अब इसमें आपने क्या किया कि आवर्षारी के वर्ग 15 के तत्व जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, उनको आप मिला दिया। हमने क्या किया, एक सिलिकॉन को हटा दिया, सिलिकॉन को हटा के क्या कर दिया, वहां पर हमने आर्सेनिक को मिला दिया, आर्सेनिक को मिला दिया। तो आर्सेनिक की, आर्सेनिक के बाहरी कोष में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। आर्सेनिक हमारा पंज संयोजी तत्व है क्योंकि उसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सिलिकॉन में कितने, केवल 4। तो ये हो गए सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं। जरा बात समझने का प्रयास, ठीक है। अब आर्सेनिक के पास कितने होते हैं, 1 2 3 4, इसके पास होते हैं 5, ये पांचवा है। सिलिकॉन के पास कितने हैं, 4। ठीक है, ये सिलिकॉन है। अब क्या करेगा, तो सिलिकॉन क्या करेगा कि अपने साझा कर लेगा इसे बगल वाले से, कितनी वैलेंसी दिखाएगा, कितनी दिखाएगा, ये दिखाएगा 4 वैलेंसी। ऐसे ही क्या करेगा, 4 वैलेंसी ये शो करेगा, संयोजी बंध कितना बनाएगा, 4 संयोजी बंध बना करके अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो सिलिकॉन ने क्या किया, अपने निकटतम वाले सिलिकॉन से 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा, पूरा कर लेगा ऐसे। अब लेकिन हमने बोला कि आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आर्सेनिक के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में से 1 2 3 4, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, 4 ने आर्सेनिक वाले से क्या किया, साझा कर लिया, और ये पांचवा इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, बचा रह गया। ये क्या है इसका, ये है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई, ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है और ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, हमने क्या बोला कि जब आर्सेनिक यहां पे आ गया तो आर्सेनिक का ये जो 4 इलेक्ट्रॉन क्या थे, चारों ने इस सिलिकॉन से इससे ये क्या किया, यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, और ये पांचवा क्या रह गया, खाली रह गया। तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के आने से उस सिलिकॉन की चालकता क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो किसी पदार्थ की चालकता बढ़ेगी। ठीक है ना, तो यानी कि जब वर्ग 14 के तत्व, जो सिलिकॉन जर्मेनियम में वर्ग 15 के तत्व जो कि पंच संयोजी है, में अशुद्धि के रूप में मिला देंगे
तो उसके चार इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सहसंयोजी बंध बना लेंगे, लेकिन पांचवा इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, बचा रहेगा, तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से उस अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। तो अब क्योंकि जो चालकता में जो वृद्धि हुई है वह उस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है निगेटिव यानी ऋणात्मक, तो वहां से ले लिया गया है एन। चालकता में वृद्धि किसकी वजह से हुई, ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से हुई, इसलिए इसको निगेटिव से एन लेकर के इसको बोल देंगे एन प्रकार का अर्धचालक। बात समझ में आ गई। अब दूसरा हमने क्या बोला कि दूसरा जो आपका प्रकार है कौन सा, पी प्रकार का अर्धचालक, यही समझ लो। अब हम क्या करें कि अगर हम मान लें कि हमारे पास जर्मेनियम है, शुद्ध जर्मेनियम, तो शुद्ध जर्मेनियम क्या होता है, शुद्ध जर्मेनियम को बोलेंगे निज अर्धचालक। तो ये आपका जर्मेनियम है, ये आपका जर्मेनियम है जो कि शुद्ध रूप में है, इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, निज अर्धचालक। अब इसमें आप क्या करिए, वर्ग 13 का तत्व, जैसे बोरान या एल्युमिनियम मिला दो, हमने यहाँ पे मिला दिया एक एल्युमिनियम, ठीक है, हमने मिला दिया इसमें आप एल्युमिनियम मिला दिया, तो एल्युमिनियम जब इसमें हम मिला देंगे तो जरा ध्यान देना, तो एल्युमिनियम को मिलाएंगे जर्मेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जर्मेनियम के पास होते हैं चार, तो ये हो गए उसके चारों इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे, ये अपने बगल वाले जर्मेनियम के साथ क्या करेंगे, सहसंयोजी बंध बना लेंगे, सहसंयोजी बंध क्या करेंगे बना लेंगे। और जब इसमें आप एल्युमिनियम मिला देंगे तो एल्युमिनियम के मिलाने से अब एल्युमिनियम के पास मात्र 3 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में, तो एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन तो जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करेंगे, सहसंयोजी बंध बना लेंगे। लेकिन एल्युमिनियम के बगल जो चौथा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, वहां पर एक खाली स्थान रह जाएगा, वहां पर एक खाली इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब वह खाली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खाली इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन छिद्र या कोटर बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन छिद्र या कोटर बोलेंगे। तो कोटर आपका क्या रहेगा, खाली रहेगा, यानी समझो ये एल्युमिनियम का 1 2 ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है और चौथा यहाँ पर नहीं है बल्कि ये खाली स्थान है। अब जर्मेनियम ने क्या किया, जर्मेनियम ने अपने चार इलेक्ट्रॉन को क्या किया, साझा कर लिया और सहसंयोजी बंध बगल वाले जर्मेनियम से बना लिया। जब हमने इसमें क्या किया, एल्युमिनियम को मिला दिया, तो एल्युमिनियम का 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के साथ 3 सहसंयोजी बंध बना लेगा, लेकिन ये चौथा वाला यहाँ क्या है, ये ओ वाली जगह खाली है, वो जगह क्या है, खाली है। जब ये जगह खाली रहेगी, ठीक है, ऐसे आप इसको बना लेंगे जल्दी, ये क्या है, खाली। अब मेरी बात समझो, आप इसको आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना, बन गया। अब यहां पर जरा गौर से देखिए, एल्युमिनियम का ये एल्युमिनियम का पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तो तीनों ने क्या किया, सहसंयोजी बंध जर्मेनियम के साथ बना लिया, लेकिन चौथा क्या है, खाली है, तो इसी खाली स्थान को आप नाम देंगे इलेक्ट्रॉन छिद्र, इलेक्ट्रॉन छिद्र या होल बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन होल बन गया। अब समझो इसको, अब समझो इसको क्या है, यहाँ पर जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान में यहाँ बगल से क्या होगा, बगल के सहसंयोजी बंध वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, और जहां से आएगा मान लेते हैं, जरा ध्यान दो, अगर यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये तो इसकी ये चारों सुंदर पूरी हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, नया इलेक्ट्रॉन छिद्र बन गया। फिर यहाँ पे मान लो यहाँ से यहाँ चला, यहाँ ये पूर्ति हो गई, यहाँ खाली हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बगल वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस रिक्त इलेक्ट्रॉन को जब भरने का प्रयास करेगा तो जहां का इलेक्ट्रॉन आ करके इसकी पूर्ति करेगा वहां पर खाली स्थान बन जाएगा, फिर बगल से इलेक्ट्रॉन चलेगा उसकी पूर्ति करेगा तो वहां पे खाली स्थान बन जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
उस खाली स्थान को भाग भाग के क्या करेगा, भरने का प्रयास करेगा और इलेक्ट्रॉन में क्या आ जाएगी, गति आ जाएगी, गति करने की क्षमता आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही क्या होता है, धातु किसी भी पदार्थ में चालकता होती है। अब चूंकि चालकता इलेक्ट्रॉन छिद्र बनने के कारण हुई है, इसलिए इलेक्ट्रॉन छिद्र का मतलब यहाँ पर क्या कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं, क्या है ये पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है, इसी पॉजिटिव से पी लिया गया है और इसको बोला गया है पी प्रकार का अर्ध चालक। क्या बोला गया है, पी प्रकार का अर्ध चालक। बात समझ में आ गई। एक काम करो, आप एन प्रकार के अर्धचालक में आप लिख लो, जल्दी से बोल रहे हैं आप, लिख लो, लिखिए, जब वर्ग चौदह के तत्व जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में वर्ग पंद्रह के तत्व जैसे फास्फोरस या आर्सेनिक मिलाया जाता है तो एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, तो एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। ठीक है, आगे लिखिए, फास्फोरस तथा आर्सेनिक पंच संयोजी, इनके बारे को उसमें पांच इलेक्ट्रॉन है, पंच संयोजी होते हैं। ठीक है, आगे लिखिए, इनके पांच संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से चार इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम से सहसंयोजी बंध बना लेते हैं तथा पांचवा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है जिससे सिलिकॉन या जर्मेनियम की चालकता बढ़ जाती है। सिलिकॉन या जर्मेनियम की चालकता बढ़ जाती है। आगे लिखना, चूंकि चालकता में वृद्धि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है इसलिए इस प्रकार के अर्धचालक को इस्माइलियन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। आप चाहो तो नीचे आप कहीं लिख लो कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव है, इसका लिया निगेटिव कर टू यन। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप क्या करो, जल्दी से आप चित्र इसको, आप यहाँ पर ये वाला चित्र आप बना दे। ठीक है, अब आप फिर लिखें पी प्रकार का अर्ध चालक। बात समझ में आ गई है ना, पी प्रकार का चालक, पी में क्या करेंगे 13 वाला 14 में मिला देंगे, पी प्रकार का अर्ध चालक। लिखो इसमें, जब वर्ग तेरह के तत्वों जैसे बोरान या एल्युमिनियम को वर्ग चौदह के तत्वों जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाया जाता है तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है।
ठीक है आगे लिखिए, चूंकि वर्ग तेरह के तत्व, चूंकि वर्ग तेरह के तत्व जैसे एल्युमिनियम त्रिसंयोजी होते हैं, त्रिसंयोजी होते हैं अतः इनके तीन इलेक्ट्रॉन वर्ग चौदह के तत्व जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ सहसंयोजी बंध बना लेते हैं ठीक है। आगे लिखिए अगला पॉइंट, एल्युमिनियम के निकट का वह स्थान, देख रहे हैं ना एल्युमिनियम के निकट का ये क्या है स्थान है, जहां पे क्या है होल है, खाली स्थान, इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या है होल है। एल्युमिनियम के निकट का वह स्थान जहां चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वहां इलेक्ट्रॉन छिद्र बन जाता है ठीक है। आगे लिखना, इस इलेक्ट्रॉन छिद्र में जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन गति करता है तब एक नया इलेक्ट्रॉन छिद्र बन जाता है ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन छिद्र बन जाता है। यह प्रक्रिया जब यहां पर बनेगी तो यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो यहां बनेगी, यहां बनेगी यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यानी यह प्रक्रिया क्या होगी पूरे में लगातार चलती रहेगी और आपको लगेगा कि होल जो यहां पर था वो पूरे क्रिस्टल में भाग रहा है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो आगे लिखिए, यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, आगे लिखे और ऐसा प्रतीत होगा कि इलेक्ट्रॉन छिद्र जिस इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा गया है, ये इलेक्ट्रॉन छिद्र जिस इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा गया है इलेक्ट्रॉन छिद्र उसके विपरीत दिशा में गति कर रहा है, जरा समझो, जब इलेक्ट्रॉन यहां आएगा ये छिद्र कहां जाएगा, उसकी जगह है ना, मतलब उसके विपरीत जा रहा है, यही बात है, उसके विपरीत दिशा में जा रहा है, चल रहा है ठीक है। आगे लिखें आप, जिससे जर्मेनियम की चालकता बढ़ जाती है, जिससे जर्मेनियम की चालकता बढ़ जाती है। आगे लिखें आप, चूंकि चालकता में हुई वृद्धि इलेक्ट्रॉन छिद्र बनने के कारण हुई है कैसा है पॉजिटिव, वहां से क्या लिया गया है पी, इलेक्ट्रॉन छिद्र बनने के कारण हुई है, अतः इस प्रकार के अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पॉजिटिव है इसलिए बोलेंगे पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, आप इस चित्र को क्या करेंगे बनाएंगे ठीक है, बात समझ में आ गई। याद रखना कि जब 13 का 14 में मिलाएंगे तो पी प्रकार का, 15 का किस में मिलाएंगे, 15 का 14 में तो एन प्रकार का, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे अगले दिन ठोसों के चुंबकीय गुण के बारे में, इनका चुंबकीय गुण क्या है, ये प्रतिचुंबकीय है कि क्या है, अनुचुंबकीय है कि लौह चुंबकीय है कि फेरोमैग्नेटिक है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक है, सारी बातें वहां पर आपको बताई जाएंगी। हमें यकीन है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब क्या करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे एक दो बार,
अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है आप क्या करेंगे हमको आप बताएंगे, सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है, हमको समझ में नहीं आया, उसका हम क्या करेंगे फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप क्या करिए, आप अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।